हेलो गाइस वेलकम टू मिस्टर हिंदी तैरू कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक हो अपना ख्याल रख रहे हो एंड आई रियली होप कि मैंने इतना मन लगा के कल जो न्यू मून रिचुअल का वीडियो बनाया था आप सब ने देखा भी और उसको फॉलो भी किया क्योंकि फिर अगर आपकी कोई विश है और आप उसे पूरा करना चाहते हो तो आपको अगले फिर न्यू मून का वेट करना पड़ेगा इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ उस चीज़ पर <coughs> ये कोई भी विषय आपकी सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है <coughs> कोई भी विषय आपकी तो प्लीज जल्दी से वो वीडियो देखो और उसको करो आज के आज ही करना आपको ठीक है सो so, आज हम आपके पर्सन के डीप इमोशंस और फीलिंग्स देखने वाले हैं सो so, यहाँ पे दो न दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको ये है ग्रुप नंबर वन ये आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर अगर ए से लेके एम के बीच में आता है तो पाइल वन आपको चूज करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर का नाम आता है अंकित तो आपको पाइल नंबर वन चूज करना है या फिर नहीं आपको पाइल से चूज करना जैसे मुझे अगर नहीं करना है तो मैं कैंडल ले चूज करूंगी ब्लू कलर ओके और अगर आपके पार्टनर का नाम आता है एन से लेके जेड के बीच में जैसे कि अगर आपके पार्टनर का नाम है सचिन तो आप ये वाला पाइल चूज़ कर सकते हो या फिर रेड कलर का कैंडल uh, आप यूज़ कर सकते हो ठीक है सो आई होप आपको पाइल सिलेक्शन समझ में आ चुका है ना स्टार्ट विथ पाइल नंबर वन जिनके पार्टनर का नाम इस ग्रुप में आता है या आपने ब्लू कलर का कैंडल चूज कर किया था लेट सी हेलो पाइल नंबर वन चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है तो मैंने यहाँ पर अवार्ड मुझे आई थिंक बंद ही करना पड़ेगा आई एम रियली सॉरी ओके कैंडल लाइट कर लेते हैं <coughs> तो मैंने यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लिया है सो देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए स्पेशली इस न्यू मून का क्या असर हुआ है उनकी फीलिंग्स पे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। <coughs> मुझे इतना आप में से काफी लोग ना अपने पार्टनर से किसी डिसीजन का किसी स्पेसिफिक एक्शन का किसी क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो यस <coughs> yes. कुछ तो जवाब कुछ तो सवाल है आपके मन में जो आप इस पार्ट पर्सन से पूछना चाहते हो और उसके जवाब पाना चाहते हो इस पर्सन से ओके okay. <coughs> अब ये किसी भी चीज को रिलेटेड हो सकते हैं आई रियली डोंट नो बट कुछ तो है कुछ तो सवाल आपके मन में घूम रहे हैं आपके दिमाग में घूम रहे हैं एंड उसके जवाब सिर्फ इस इंसान के पास है अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो ओके okay? मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी कोई सवाल पूछते हो या आपके मन में कुछ भी अगर होता है ना जो आप पूछना चाहते हो आप इसलिए नहीं पूछ पाते हो या उसका जवाब आपको इस पर्सन से मिल नहीं पाता है क्योंकि जो आप पूछते हो या बोलते हो आपके पार्टनर को वो समझ में ही नहीं आता <coughs> या तो वो उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं या अच्छे से उसका जवाब नहीं देते हैं भागते हैं सवालों से आपके ठीक है आपको फेस करने से आपको क्लैरिफाई करने से अपने आप को भागता है ये इंसान ठीक है बट अब मुझे जो चेंज इनके अंदर दिख रहा है सबसे मेजर बदलाव जो मुझे इनके अंदर दिख रहा है ना वो ये है कि अभी आपके सवालों से भागना नहीं चाहते दे वॉन्ट टू आंसर यू वो आपको अब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो भी आप उनसे सवाल पूछना चाहते हो उसके वो जवाब अब देना चाहते हैं <coughs> चाहे फिर वो जवाब कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो ओके, okay. सो so, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए पहले मुझे लगता था इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था रिश्ता निभाना रिश्ते को आगे बढ़ाना आखिर तक उसको सस्टेन करना उसके लिए स्टैंड लेना ठीक है वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं था वो हिम्मत वो विश्वास उनके उनको इस रिश्ते से रिश्ते पे भी नहीं था यहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है <coughs> क्या पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हार्ट बना हुआ है ठीक है so, सो आपके पार्टनर को पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था इस रिश्ते पे भी इसके फ्यूचर पे भी वो कुछ कर भी पाएंगे इस कनेक्शन के लिए सो so, एक लॉस्ट सी एनर्जी थी ये पर्सन सही से सोच भी नहीं पाते थे और जो भी एक्शन लेते थे वो भी गलत थे तो नाउ इट्स लाइक मुझे उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज ये भी दिख रहा है कि अब उनका विश्वास है अपने पे भी रिश्ते पे भी रिश्ते के फ्यूचर पे भी ओके विच इज अ रियली गुड थिंग ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी है ओके पॉजिटिव चेंज है अगर इनके आपको लेकर कोई गलत फहमियां थी इस रिश्ते को लेकर कुछ नेगेटिव थाट्स थे अगर कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता था इस कनेक्शन को इनके दिमाग में चीजें भर रखी थी किसी ने या फिर ये खुद ही बहुत नेगेटिव सोचते थे वो भी मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है अभी ये पर्सन सिर्फ प्यार चाहते हैं चाहे फिर वो प्यार देना हो या आपसे प्यार लेना हो दे जस्ट वॉन्ट लव नाउ वो ना आपसे लड़ना चाहते हैं ना किसी भी तरह की यू you नो know, एक नेगेटिव माइंड सेट में नहीं जीना चाहते दे वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अपने सारे डाउट्स वो क्लियर कर रहे हैं और वो कुछ क्लैरिफाई करने वाले हैं बहुत ही जल्द मुझे लगता है ये पर्सन कुछ क्लैरिफिकेशन अपने साइड से आपको देने वाले हैं ओके okay? नाउ दे जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग लव वो इस रिश्ते में सिर्फ प्यार लाना चाहते हैं चाहे किसी कोई इनको इन्फ्लुंस कर रहा था चाहे वो ही नेगेटिव सोच रहे थे जो भी नेगेटिविटी चल रही थी ना दे वॉन्ट टू एंड दैट साइकिल अब नहीं चाहते वो चीज ठीक है <coughs> मुझे लगता है उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि अगर उन्हें आपके पास रहना है अगर उन्हें आपके साथ रहना है अगर उन्हें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहना है तो उन्हें प्यार देना ही होगा उन्हें इस रिश्ते में प्यार से पेश आना ही होगा वो गुस्से या नफ़रत को लेकर नहीं जी सकते अगर उन्हें आप चाहिए हो तो ठीक है सो या दैट दे वॉन्ट यू मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको चाहते हैं सो so वो आपके नज़दीक रहना आपसे बात करना कितना ज़रूरी है वो उन्हें समझ रहा है अभी ठीक है उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए तो मुझे प्यार देना पड़ेगा मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर्सन के लिए इस रिश्ते के लिए ओके <coughs> मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये जो रिश्ता खराब हुआ है या इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं इनके वजह से हुए और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए अब तैयार है दे आर लाइक मैं अब इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ मेरी गलतियां मैं एक्सेप्ट करू करूंगा ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है अकाउंटेबलिटी ले रहे हैं हाँ मेरी गलती हुई मैंने तुम्हें तकलीफ दी या मैंने ब्रेकअप दिया या मैंने थर्ड पार्टी लाई जो भी है जो भी आपके केस में हुआ है सो so, उससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटी है आपके पर्सन के अंदर जो एक गलत चीज़ें धारणाएं बना रखी है मन में गलत चीज़ें भर रखी है दिमाग में दैट इज़ रिलीजिंग दैट इज़ यू नो मूविंग आउट ऑफ योर रिलेशनशिप ठीक है आपके रिश्ते से मुझे मेजर मेजर क्लेंजिंग होते हुए दिख रही है जो भी जिसके भी अंदर जो नेगेटिविटी है जो इस रिश्ते को किसी भी तरह से ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रही है दैट इज मूविंग आउट ऑफ योर रिलेशनशिप विच इज रियली रियली नेसेसरी अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो <coughs> देखिए मुझे लगता है आपके पर्सन ने जो भी गलतियां करी है दे आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर इट एंड मुझे लगता है ये आपसे माफी मांगेंगे भी ओके okay? और उन्हें यह चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में अटके हुए नहीं रह सकते अगर उन्हें रिश्ता मजबूत करना है अगर उन्हें लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना है तो उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों में अटका नहीं रहना चाहिए सॉरी अगर बोलना बनता है उनका तो वो बोल वो सोच रहे कि सॉरी बोल दिया जाए यू you नो know, उससे कुछ नहीं होगा उससे मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा तो ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं दे आर फीलिंग सॉरी तो वो चीज़ ओठो होठों पे आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ओके okay, क्योंकि ऑलरेडी रिग्रेट है ऑलरेडी पछतावा है <coughs> क्योंकि अब ये बिगर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं आर लाइक अब मैं छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ नहीं रहना चाहता रिश्ते को मैं सिर्फ सॉरी ना बोलूँ इसलिए मैं अगर रिश्ते को अटका के रख रहा हूँ तो गलती मेरी है ये चीज़ आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं ओके मुझे यहाँ पे बहुत जल्द काफी लोगों का रिश्ता फिर से शुरू होते हुए दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग एक न्यू स्टार्ट मुझे होते हुए दिख रही है आपके कनेक्शन में ठीक है मुझे लगता है ये पर्सन ऑनेस्टली जेन्यूनली दिल से सच्चे इंटेंशन से प्योर इंटेंशन से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अपने आप को सौंप देना चाहते हैं ओके दे वॉन्ट टू सरेंडर दे वॉन्ट टू गिव देम सेल्वस टू दिस कनेक्शन ठीक है ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ <coughs> मुझे लगता है ये पर्सन अपने रियल इंटेंशंस बताना चाहते हैं आपको अपने एक्शंस के जरिए अपने वर्ड्स के जरिए ओके दे वांट टू टेल व्हाट दे फील हाउ दे फील जो है अंदर जो भी चल रहा है वो बाहर लाना चाहते हैं ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ऐस कुछ ऐसा था इनकी लाइफ में जो इन्हें रोक रहा था आपको कमिटमेंट देने से आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट कराने से आपसे जस्टिस करने से अगर कुछ चीज़ें इनको रोक रही थी ना सो मुझे लगता है कि वो उन चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं चाहे वो कोई रिश्ते हो चाहे कोई सिचुएशन हो जो भी उन्हें रोक रहा था या जो भी आपके रिश्ते को अच्छा होने से रोक रहा था वो उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ से ताकि वो इस रिश्ते को एक यू नो फेयर चांस दे सके एक फेयर मौका दे सके रिलेशनशिप को सुधरने के लिए ओके सो या ये मुझे नहीं लगता आप किसी से डरेंगे या अपनी फीलिंग्स से भागेंगे आई डोंट सी दैट हैपनिंग जैसे जैसे अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने रियलाइज करेंगे आपके सामने सॉरी बोल के या किसी तरह से जितना ये यू uh, नो you know, मुझे मुझे पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे लिटरली कि ये पर्सन ना अपनी रियल फीलिंग्स रियल इंटेंशनस रियल इमोशंस आपके सामने आप एक्सप्रेस करेंगे कुछ चीज़ें छुप के नहीं रहेगी ट्रांसपेरेंसी रहेगी ओके okay? जिसके वजह से रिलेशनशिप जो अटक गया था स्टक हो गया था आगे नहीं बढ़ रहा था वो एनर्जी उसे एनर्जी मिलेगी एक पॉजिटिव किक मिलेगी उसे ताकि फिर वो आगे बढ़े कनेक्शन ठीक है so ये मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं पहले मैं वो बता देती हूँ मुझे सी दिखा है यहाँ पर N G E U L P H C I T A M डेट इट, ओके और नंबर्स अगर देखे जाए वन थ्री टू मुझे एस भी दिखा है लेटर एस दैट्स इट, ठीक है सो so, yeah, या आपका भी इनिशियल हो सकता है ठीक है सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर वन जिन्होंने ब्लू कैंडल या फिर आपके पर्सन का अगर पहला नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आ रहा था तो ये रीडिंग आपके लिए है कैसी लगी मैच अगर हुई है किसी भी तरह से तो वीडियो को लाइक करो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो अब चलते हैं ग्रुप नंबर टू पे हेलो ग्रुप नंबर टू जिनके पार्टनर का नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है या फिर आपने रेड कैंडल चूज़ करी थी चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस और इस न्यू मून का क्या असर हो रहा है उनके फीलिंग्स पे लेट्स सी वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो इस वीडियो के सारे ब्यूटिफुल एनर्जीज को क्लेम करने के लिए ओके okay, तो मैंने यहाँ पे लाइट कर लिया है कैंडल को जैसे कि आप देख रहे हो लेट्स आपके पार्टनर के डीपेस्ट फीलिंग्स इमोशंस क्या है आपको लेकर ओके okay. मुझे एक चीज सबसे पहले जो नोटिस हो रही है ना आपके पार्टनर बिल्कुल भी अपने इमोशंस को इस वक्त बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल है ठीक है चाहकर भी है वो अपने फीलिंग्स पे अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा रहे हैं, पा रहे हैं ठीक है ओके okay, आप लोगों के बीच में ना मुझे लगता है काफी बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है मतलब बहुत से ऐसे लोग है जिन हो, जिनके वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है मुझे यहां पे लेटर पी दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो बहुत से बाहरी ऐसे इन्फ्लुएंसेस है जिनके वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है ओके लाइक मेजॉरिटी जो एन से लेके जेड के बीच में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना और क्या हो रहा है ना आपके पार्टनर उन लोगों को एनालाइज कर पा रहे हैं आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आखिर वो लोग कौन कौन है जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं इनडिरेक्टली डायरेक्टली होते हैं ना कुछ लोग टर्माइट की तरह होते हैं यू नो दे ईट ऑन टू यू दे फीड ऑन टू योर रिलेशनशिप आपको पता भी नहीं चलता है ऐसा ही कुछ है कि ये, ये जो भी पर्सन है ना जो आपके रिश्ते को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खराब कर रहे थे आपके पर्सन को उनके इंटेंशंस या उस पर्सन के रियल इंटेंशन समझ में आ गए हैं फाइनली ओके सो दे आर लाइक अब आपके पार्टनर को जब उन उन लोगों के सच्ची इंटेंशन समझ में आ चुकी है ना मुझे नहीं लगता अब आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे आएंगे किसी की बात सुनेंगे किसी की बातों में आएंगे तो ऐसा अगर कुछ चल रहा था तो बिंदास्त हो जाएगा मुझे नहीं लगता ऐसा अब हो पाएगा एंड मुझे लगता है आपके पार्टनर ऐसे लोगों से लिटरली अपने सारे कॉर्ड्स कट कर देंगे जितना हो सके ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करेंगे या आपके बारे में उनसे बात करना ही छोड़ देंगे या उनसे राय लेना छोड़ देंगे ठीक है मुझे आपके पार्टनर के अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज इस तरह का दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस न्यू मून कि अगर आपके पार्टनर को झूठ बोलने की आदत थी जो है वैसा ना दिखाना कुछ और ही दिखाना अपने आप को अलग तरीके से पोर्ट्रे करना यू नो you छुपन know, छुपाई ट्रांसपेरेंसी ना रखना अगर इस पर्सन ने किसी भी तरह से आपको ट्रिक किया है या आपको झूठ बोला है आपसे गलत तरीके से जिस भी तरह से बिहेव किया है ना मुझे लगता है ये पर्सन उस आ, उस आदत को अब छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने अंदर जो भी उनकी ऐसी आदतें हैं जो इस कनेक्शन को किसी भी तरह से अफेक्ट करती है ख़राब करती है वो उसे त्याग देंगे लिटरली वो अपने अंदर बहुत सादा पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए दिख रहे हैं मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि जितना ये पर्सन आपसे दूर रहे जितना इन्होंने आपसे बात नहीं की इस पर्सन को बहुत अकेलापन महसूस हुआ अभी भी मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस होता है इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो खाली है कुछ तो अधूरा है इनकम्प्लीट सा फ़ील होता है एम्पटी सा फ़ील होता है इस पर्सन को ठीक है दे फील वेरी अलोन विदाउट यू और वही चीज़ उन्हें आपके लिए आपकी वैल्यू समझाती है आपकी इज्ज़त आपके लिए प्यार बढ़ाती है इनकी नज़रों में ठीक है सो डोंट वरी अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझते थे अगर आपकी इज्जत नहीं करते थे नाउ देर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू जब आपने उन्हें अकेला कर दिया जब आपने उनको जीतने के लिए या अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया नाउ देअ अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू ओके मुझे ऐसा भी यहां पे दिख रहा है कि पहले ना आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती थी या कुछ हो जाता था तो इस पर्सन को इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे उसके लिए यू you नो know, क्या है क्या नहीं क्या करना चाहिए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए इतना क्यूरियोसिटी या इतनी इतनी इंटरेस्ट उन्हें उन्हें नहीं होती थी पास्ट में बट नाउ मुझे क्या लगता है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है इस पर्सन के अंदर उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बेचैनी है और क्यूरियोसिटी भी है कि मुझे इस कनेक्शन को ठीक करना है चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े अब ये पर्सन खुद दखल अंदाजी लेंगे दखल देंगे और ध्यान देकर कनेक्शन के उन हिस्सों पे काम करेंगे जिस पे उन्हें पहले ही काम करना चाहिए था मुझे लगता है आप में से काफी लोगों के पार्टनर तो इनका जो नजरिया था इनकी जो सोच थी एकदम धुंधली सी थी ना ये क्लियरली देख पाते थे ना क्लियरली सोच पाते थे बट और मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कभी रेडी नहीं रहते थे हमेशा आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप ही रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो आप ही एडजस्ट कर रहे हो बट अब क्या होगा अब ये पर्सन का नज़रिया ही बदल गया है इस कनेक्शन को लेकर अब उन्हें समझ गया है कि रिश्ता दोनों का है एडजस्टमेंट मुझे भी करनी पड़ेगी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे भी करना पड़ेगा सामने वाले की बात मुझे भी माननी पड़ेगी हर वक्त मैं अपनी नहीं चला सकता इस कनेक्शन में ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं है मैंने ठेका नहीं ले रखा है सब कुछ अपने तरह से करने की <coughs> मुझे इस पर्सन के इंटेंशन सही होते हुए दिख रहे हैं ओके okay? प्योर होते हुए दिख रहे हैं अपने आप पे इनको विश्वास बनते हुए दिख रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ हो सकता है हम दोनों मिलके कर लेंगे इस तरह का विश्वास मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं जो होगा हम देख लेंगे मिलकर करेंगे मैं कर सकता हूँ इस तरह की एनर्जी पहले नहीं था पहले मुझे नहीं लगता इस तरह की एनर्जी थी मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर चेंज होने वाला है ना इनका तरीका आप सो, आपको ट्रीट करने का इस रिश्ते में आ, बिहेव करने का बहुत बदलने वाला है बहुत ज्यादा ठीक है आपको हैरानी में डाल देगा इतना ज़्यादा इस पर्सन के एनर्जी मुझे चेंज होते हुए दिख रही है इतने चेंजेस आप इस पर्सन में देखोगे कि जितने शायद आपने कभी भी नहीं देखे थे आपको लगेगा कि इस इंसान को शायद मैं पहचानता ही नहीं हूँ या पहचानती ही नहीं हूँ मैच्योर यू नो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी वाइज पर्सन मुझे बनते हुए दिख रहे हैं <coughs> मुझे आप दोनों तो अपनी ड्रीम्स अपने एक दूसरे को लेकर जो भी सपने हैं जो भी इरादे हैं इंटेंशंस है उन्हें एक दूसरे से शेयर करते हुए ड्रीम्स गोल्स एम्स शेयर करते हुए दिख रहे हो कपल गोल्स होते हैं ना जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे एक साथ काम करना एक दूसरे के को सपोर्ट सिस्टम बनना एग्जैक्टली exactly मुझे वैसा कुछ होते हुए दिख रहा है ओके योर पार्टनर विल बी शोइंग इंटरेस्ट आपके उन चीज़ों में इंटरेस्ट शो करेंगे जो पहले नहीं करते थे ओके okay. देखिए आपने इस पर्सन के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के सपने देखे हैं फ्यूचर को ड्रीम किया है और वो ड्रीम्स और वो सपने मुझे डेफिनेटली पूरे होते हुए दिख रहे आने वाले टाइम में बस आपको हिम्मत रखनी है बस आपको विश्वास रखना है ठीक है कि हाँ मेरे ये सपने पूरे होंगे मुझे बहुत ही इमोशनल दिख रहा है आपके पर्सन शायद आप भी इतने इमोशनल नहीं हो इस वक्त आप दिमाग से मैं भी सोच रहे होंगे लेकिन आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है हो रहे हैं एंड इसलिए मुझे एक रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच में फिर से शुरू होते हुए दिख रही है पैशन जगते हुए दिख रहा है प्यार आते हुए प्यार यू uh, नो you know, बढ़ते हुए दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में विच इज गोइंग टू बी रियली ब्यूटिफुल क्योंकि यही एनर्जी तो मिसिंग थी यही तो आप चाहते थे राइट right? मुझे काफ़ी लोगों की रीयूनियन या एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होते हुए दिख रही है आप दोनों स्पिरिचुअली स्ट्रांगली कनेक्टेड हो ओके okay? मुझे आप दोनों ही अपने तरफ से जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार एक दूसरे को देते हुए आने वाले टाइम में दिख रहे हो स्पेशली आपके पर्सन अगर वो प्यार से नहीं पेश आ रहे थे अगर वो प्रैक्टिकली ही सिर्फ आपसे डील कर रहे थे वो मुझे फाइनली ख़त्म होके इमोशनली आपसे डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये भी लगता है आपके पार्टनर ना कभी भी इतने इमोशनल अगर होते भी थे कभी आपके लिए या तो होते ही नहीं थे या अगर हुए तो वो आपको दिखाते नहीं थे कि हाँ मैं तेरे लिए इतना इमोशनल हूँ मेरे मन में तेरे लिए इतना प्यार है इतनी फीलिंग्स है इस पर्सन को हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है यू you नो know, अपनी सच्ची फीलिंग्स शो ना करना ये इनकी एक आदत रही है लेकिन अब क्या होने वाला है ये बुरी आदत ये पर्सन मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं फाइनली ये आपसे जो फील कर रहे हैं वो शो करेंगे जैसे उनकी फीलिंग्स है क्लियरली वैसे शो करेंगे अब मुझे इनके अंदर उतना कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है अब ये फ्यूचर को क्लियरली देख पा रहे हैं। उन्हें क्या करना है उसको समझ पा रहे हैं सो बस अब वेट करिए अभी देखिए इनके अंदर क्या क्या आप देखोगे चेंजेस ओके okay? मतलब आपके लिए ये पर्सन एकदम नया होगा ओके okay? प्यार तो वैसा ही रहेगा मे बी उससे ज्यादा लेकिन उनके अंदर मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ गई है सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ गया है जिसकी वजह से ही मुझे ये रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है यहाँ पे ओके सो या दैट इज द थिंग यहाँ पे सो so मुझे यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं Uh, या आपके नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है यहां पे है एन सबसे पहले तो यहां पे है पी वी एल आर वाई यू एम ओके तो ये इनिशियल्स है और बाकी मुझे यहाँ पे हाँ ए भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे नंबर्स भी दिख रहे हैं नंबर फाइव नंबर टू नंबर थ्री जेड भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे ओके नंबर सेवन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे एट ओके सो या दैट वॉज इट आई होप ये रीडिंग आपसे मैच कर गई हो आपको इससे गाइडेंस मिली हो ग्रुप नंबर टू अगर आपके नाम पर्सन के नाम का पहला अक्षर अगर इस, इस ग्रुप में था तो ये रीडिंग आपके लिए थी और अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर करिए एंड प्लीज़ दरख्वास्त है जाइए कल का वीडियो देखिए उसमें मैंने रिचुअल शेयर किया है न्यू मून पे विश मैनिफेस्टेशन का अगर आपके कोई भी विशेज़ है आप उस सिंपल से टेक्निक का यूज़ करके उन विशेज़ को पूरा कर सकते हो बहुत पावरफुल है सो सी इन नेक्स्ट वीडियो